हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे वीवो के एक नए 5G स्मार्टफोन के बारे में जो कि जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है वीवो X90 Pro Plus। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि इस फोन के और भी दो वेरिएंट आए हैं जो कि सेम डे के दिन लॉन्च होने वाला है वो दोनों फोन भी, जिसका नाम है वीवो X90, वीवो X90 Pro। इस तरह से दो फोन के बारे में मैंने पहली वीडियो बना दिया है, उन दोनों वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं, जिसमें जानेंगे Vivo X90 Pro Plus स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इस फोन के सारे मेन फीचर, प्राइस, लॉन्च डेट सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आईलैंड टेक यूट्यूब चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। Vivo X90 Pro Plus स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को रेड और ब्लैक इस तरह से दो कलर देखने को मिलने वाला है, जो कि एमोल्ड का डिस्प्ले यूज किया गया है इस फोन में और डिस्प्ले साइज है 6.78 इंचेस। और अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो डिस्प्ले है वो होगा पंच होल डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 का आप लोगों को इसके अंदर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। OS Android वर्जन 13 यूज किया गया है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन है और ये वोल्टी सपोर्टेड भी है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसके अंदर जो सिम कार्ड आप लोग लगाएंगे वो डुअल नैनो सिम कार्ड होना चाहिए और GSM प्लस GSM सिम कार्ड आप लोग इस फोन के अंदर यूज कर पाएंगे। इस फोन के अंदर आप लोगों को 4700 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 80 वॉट का फास्ट एडेप्टर मिलता है। सी टाइप का केबल आप लोगों के फोन में अटैच होगा। 100% आप लोगों का जो मोबाइल है वो 33 मिनट में चार्ज हो जाएगा। कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को क्वाड कैमरा मिलता है, यानी कि चार कैमरे पीछे साइड में दिया गया है, जो कि बहुत ही पावरफुल कैमरा दिया गया है इस फोन के अंदर, जो कि 50 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल, इस तरह से चार कैमरे आप लोगों को पावरफुल बैक कैमरा दिया गया है। फ्लैश लाइट जो दिया गया है इस फोन के अंदर वो डुअल कलर LED फ्लैश लाइट है आप लोगों को बैक साइड में। और 8K में आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। साथ में ये भी बता दूं कि जब आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे बैक कैमरे से तो आप लोग डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन इस फोन में मिलेगा, यानी कि फ्रंट कैमरे से, यानी कि सेल्फी, अगर आप लोग समझ लीजिए कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बैक कैमरे से और चाहते हैं जो आप बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो, तो अब आप लोग इजीली रिकॉर्ड कर पाएंगे सेल्फी कैमरे से, यानी कि सेल्फी कैमरे से भी डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पीछे का होगा ही और फ्रंट सेल्फी कैमरे से भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसमें आप लोग जो कुछ भी बताएंगे वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि 4K में आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर दो वेरिएंट देखने को मिलेगा इस फोन के, जो कि आप लोगों को 256 GB इंटरनल स्टोरेज और 12 GB रैम, और दूसरा जो स्टोरेज होगा वो होगा 512 GB इंटरनल स्टोरेज और 12 GB का रैम। अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं और बढ़ाना और एक्सपेंड करना मेमोरी कार्ड को, इंटरनल स्टोरेज को और बढ़ाना चाहते हैं एक्सपेंड करके मेमोरी कार्ड डाल करके, तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं जो प्राइस बताऊंगा वो बताऊंगा 256 GB इंटरनल स्टोरेज 12 GB रैम वाले फोन का। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस फोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर यूज किया गया है वो होगा अल्ट्रासोनिक का, आप लोगों को ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। और अब मैं आप लोगों को इस फोन का प्राइस बता देता हूं, तो जो मैं प्राइस बता रहा हूं वो होगा 256 GB इंटरनल वाले फोन का, जो कि 12 GB रैम के साथ में मिल रहा है, तो इसका प्राइस है वो होगा 74,390 रुपीज। लॉन्च डेट की बात करें तो 31 जनवरी को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि इस फोन के जो फीचर्स मैंने बताए हैं, क्या उस फीचर के हिसाब से इस फोन का जो बजट है, प्राइस है, वो मैच खाता है या नहीं खाता है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और Vivo X90, Vivo X90 Pro, इसके ऊपर मैंने पहली वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखना। और आईलैंडटेक यूट्यूब चैनल पर जो लोग पहली बार आए थे, पहली बार वीडियो देख रहे थे, प्लीज चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को एक थम्स अप, एक लाइक जरूर करें।